बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? आज हमारा चैप्टर 4 जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, लेक्चर हमारा 1 है। इसमें हमने डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जिसकी सबसे पहले डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन इन एक्स इज इन इक्वेशन जो है डेट कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी इक्वेशन जो है जो इस फॉर्म में लिखी जाए उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, या इसका दूसरा नेम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होती है जिसका दूसरा नाम उन्होंने दिया हुआ है सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी पावर जो है वो हमारी 2 आ जाए, स्क्वेयर आ जाए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स जो है प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। और इसमें ये कहते हैं हमारे पास जो ए है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए हमारा ज़ीरो हो जाए तो फिर हमारी बी एक्स प्लस सी हो जाएगी, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ए बी और सी, इसमें ए बी और सी जो है ये बिलोंग टू इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ए जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी सी वो ज़ीरो हो सकता है। इसके बाद हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेज होती हैं, इसको हल करने के लिए देयर आर 3 वेज, 3 इसके मेथड हैं जिसकी मदद से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक सबसे पहले जो हमारा मेथड है उसको हम कंप्लीटिंग जो है वो स्क्वायर कहते हैं। सेकंड हम जो है वो फैक्टराइजेशन कहते हैं, और इसका जो थर्ड है उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला तो इसमें सबसे पहले तो हम आज जो डिस्कस करना है वो हमारे फैक्टराइजेशन भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की मदद से, हम इसकी डेफिनेशंस भी डिस्कस कर लेंगे और सारे मामला जो भी इसमें है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसमें सॉल्व जो है बाय फैक्टराइजेशन के आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा बेटा जी, हमने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन जो है इसकी हेल्प से लेना है। तो इसके लिए जो हमारा मेथड है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए सबसे पहले बेटा इसका मेथड होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है कॉन्स्टेंट के साथ। मीन 3x² को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं, 3x² मल्टीप्लाई भी 1 करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 3x² और वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसका भी टर्म्स निकालनी है, 2 फैक्टर्स निकालने हैं कि ऐसे निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाए, और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये 4 आ जाए। तो इसमें ये 3 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ ही, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरी बात, मतलब हमने 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीपल करें तो ये फिर बने, उसके बाद अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर हमारे पास 4 आना चाहिए। तो इसमें अगर 3 में अगर 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास इम्प्लाइज यहाँ पे 3x² प्लस, अब ये 4 की हमने पेयर बना लिए, 3 और एक 1 जो है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 मीन x ही होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पहले 3 नंबर तब 4 नंबर बन गए, तो इसके 2 के अपने पेयर बना लेते हैं। तो इसमें फिर क्या होगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें एक तो 3 भी आ सकता है और एक x भी आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस, इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई कॉमन ना हो मतलब डिफरेंट हो तो हम उसमें से 1 पॉजिटिव कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में मौजूद होता है। तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे
एक तो x प्लस वन भी इधर है और एक x प्लस वन भी इधर है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन और साथ आ जाएगा 3x प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। जब भी हमारा क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें दो पेयर मल्टीपल हो रहे हों और वो इक्वल टू क्या हों, जीरो हों, तो हम उनको जीरो के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वन ये भी जीरो आ जाएगा और 3x प्लस वन ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव वन आ जाएगा और 3x इज इक्वल टू नेगेटिव वन और x आ जाएगा नेगेटिव वन बाई थ्री और x आ जाएगा नेगेटिव वन बाई थ्री और नेगेटिव वन और नेगेटिव वन बाई थ्री जो है वो इसके क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। तो इस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब भी हमने पेयर बनाने हैं तो हमने ये चेक करना है कि हमारे फैक्टर ठीक है, एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो हमने देखना ये होता है कि जब भी हम उनके पेयर बना लें तो ब्रैकेट्स के इनसाइड जो वैल्यूज होती हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। एक बात सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे x है यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे अगर 1 है तो फिर यहाँ पे 1 होगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव साइन ही आनी चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था। चलें एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एग्जांपल, यहाँ पे जैसे इसका क्वेश्चन टू है वो हम डिस्कस करते हैं कि एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका भी वही मेथड है कि हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट नंबर होना है, कोफिशेंट होना है, एक्स स्क्वायर होना है, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है, इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर आ जाएगा और ये आएगा पॉजिटिव में। अब आपने इसके टू पेयर लेने हैं कि दो पेयर लेने हैं, कैसे लेने हैं कि अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब जब भी हम मल्टीपल करें तो जो हमारा लास्ट ये वाला नंबर आया है ये आना चाहिए। इसके बाद अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब 3 में अगर 4 को ऐड करते हैं तो पीला आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, तो हमें ये भी टर्म यही चाहिए। तो ये हमारे पास है कि जब मल्टीपल करें तो हमारा 12 आए और उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास क्या आइए, ये 7 आए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो है प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं हम x प्लस 4, इधर से हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो x प्लस 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 3 जो है और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो x प्लस 4 ये भी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और x प्लस 3 जो है ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इसमें हम अगेन जो है तो x आ जाएगा नेगेटिव 4 के इक्वल और x आ जाएगा नेगेटिव 3 के इक्वल। तो इसके तो सॉल्यूशन सेट जो आ जाएंगे वो हमारे पास एक नेगेटिव 4 आ जाएगा और एक नेगेटिव 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसका क्वेश्चन जो 3 है 4 है ये सेम है, एक ही तरह की हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जो 5 है वो एक और शेप में दिया हुआ है। अब उसकी शेप कैसी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 जो है कि x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x नेगेटिव 1 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4। जी बेटा, ये क्वेश्चन हमारा जो इस शेप में दिया हुआ है, आपने बेटा इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके आनी है, उसके बाद हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह x को 7 से करेंगे तो यहाँ पे 7x आ जाएगा इज इक्वल टू 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x आ जाएगा, नेगेटिव 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव x आ जाएगा और नेगेटिव 1 को 4 से करते हैं तो नेगेटिव 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x, आप 8 में से 1 को निकालेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 7x नेगेटिव 4। इसके बाद जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएं, दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, तो आपने जो है वो कंपैरिजन इसको कैसे करना होता है, मीन आपने इसको इस साइड लेके जाना है या इसको इस साइड लेके जाना है, तो उसमें देखना ये होता है कि सबसे बड़ी रकम कौन सी है। यहाँ पे देखें पावर इसकी भी सेकंड है, इसकी सेकंड है, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक है,
लेकिन इसका कॉप्शन टू है, लेकिन यहाँ पे कॉप्शन क्या है, वन है। तो हमने क्या करना है, इसको आप उधर लेके चले जाएँ, ठीक, क्योंकि जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो साथ ये नेगेटिव आ जाएगा एक्सपेयर में, तो वो काम लेना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है हम इसमें क्या करते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स नेगेटिव फोर, इसको जब इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नेगेटिव सेवन एक्स आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर में से एक्स को निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पीछे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव सेवन है और ये नेगेटिव सेवन हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा फोर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये प्योर फॉर्म में दी हुई है, वो भी आगे हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। एक्स स्क्वायर नेगेटिव फोर है तो इसको टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा जी बेटा जी, हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, या आपको रिमाइंड होगा कि अगर ए स्केयर नेगेटिव बी स्केयर आ जाए तो इसको लिख सकते हैं हम ए नेगेटिव बी और ए पॉजिटिव बी जो है। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसको नेगेटिव कर देंगे और एक दफ़ा आप इसको पॉजिटिव कर दें, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक्स नेगेटिव टू ये भी जीरो आ जाएगा और एक्स आ जाएगा नेगेटिव टू, एक्स आ जाएगा टू के इक्वल। तो इसके टू और नेगेटिव टू जो है वो इसके सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। एक बड़ा जी हम और डिस्कस करते हैं, इसका क्वेश्चन जो सिक्स है और सेवन है वो एक शेप का है। सिक्स सेवन में से मैं एक करवा देता हूँ, चले सेवन हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही शेप एक ही है, वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस टू इज इक्वल है सेवन ओवर एक्स प्लस फाइव। ये भी हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है, तो आपने क्या करना है, इसको पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे इसके, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, एक तो एक्स प्लस वन आ जाएगा और यहाँ पे एक एक्स प्लस टू आ जाएगा। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो सेम होता है वो कैंसिल होता है, बाकी ये डिफरेंट आ जाता है। तो ये एक्स प्लस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स प्लस टू आ जाएगा, टू कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा टू, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये एक्स प्लस वन। मेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा सेवन ओवर एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये कि ये एक्स प्लस टू आ जाएगा, ये टू एक्स हो जाएगा प्लस टू आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन ओवर एक्स प्लस फाइव इम्प्लाइज। अब ये टू एक्स और ये एक्स थ्री एक्स हो जाएगा, टू और ये टू क्या हो जाएगा, फोर आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन ओवर एक्स प्लस फाइव। अब दोनों फ्रैक्शन दी हुई हैं और दोनों के दरमियान जो है वो इक्वालिटी दी हुई है, तो आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जब ये दो फ्रैक्शंस आ जाएं और दोनों में इक्वालिटी दी हो तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मीन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी, ये आ जाएगा एक्स प्लस फाइव, ये मल्टीप्लाई करेगा थ्री एक्स प्लस फोर के साथ सेवन इंटू, ये एक्स प्लस टू आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो हम आगे इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों पेयर फॉर्म में दी हुई हैं, ये भी पेयर फॉर्म है, ये भी पेयर फॉर्म है, ये भी क्वाड्रेटिक बनेगी और ये भी क्वाड्रेटिक। जब दो लीनियर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, कोई बनती है। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स आ जाएगा, फाइव को थ्री से करेंगे तो फिफ्टीन आ जाएगा और 5 को 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 7। वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो x, 2 को बस 2x हो जाएगा और 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ये 15 और 4 ये हो जाएगा 19x और ये आ जाएगा हमारे पास 20 इज इक्वल टू ये 7x स्क्वायर, टू और ये वन थ्री, थ्री सेवन ज़ा 21 हो जाएगा और सेवन टू ज़ा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब ये भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो हमने पहले डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक को जब कंपेयर करना हो तो हम जो लेसर होती है उसको आप एक दूसरी तरफ लेके जाते हैं ग्रेटर की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा ये
सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव 3x स्क्वायर, नेगेटिव 19x, नेगेटिव के 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 नेगेटिव 3 करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो 21 जो है इसमें से 19 को निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 14 है और नेगेटिव के 20 है तो नेगेटिव 6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हम वो लेते हैं जो सब पे डिवाइड हो सकता हो, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x और नेगेटिव क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोएफिशिएंट जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मीन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ पे x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब हम इसके आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं कि 2x² प्लस x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मेन वही फैक्टराइजेशन करनी है, तो फर्स्ट को आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव 6x की स्क्वायर, इसके भी आप पेयर बना लीजिएगा, मल्टीप्लाई करें नेगेटिव 6 आए प्लस करें तो पॉजिटिव 1 आए, तो इसमें कर लेते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, लेकिन हमें 6 नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव मल्टीपल में उस वक्त आता है जब दोनों में से किसी एक के साथ नेगेटिव हो और एक के साथ पॉजिटिव हो, ठीक है। अब हम इस तरह कर लेते हैं, इसके साथ नेगेटिव लगा लेते हैं और इसके साथ पॉजिटिव लगा लेते हैं, पॉजिटिव 3 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 6 आ जाएगा, अगर 3 में से 2 को निकाल देंगे तो आंसर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा, ठीक है। मैं नेगेटिव इसके साथ क्यों नहीं लगाया, इस 3 के साथ, तो नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव 6 आ जाएगा, 6 तो हमारे पास दोनों फॉर्म में आएगा, लेकिन नेगेटिव 3 में प्लस 2 करेंगे तो इसका नेगेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे पॉजिटिव 1 चाहिए, तो इसलिए हमें ये वाला पेयर, हमने ये साइन यूज़ करनी है, इसको हमने कैंसिल आउट कर देना है, इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x नेगेटिव 3x नेगेटिव 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और साथ x भी, ये हो जाएगा x प्लस 1, इधर से नेगेटिव 3 कॉमन तो ये आ जाएगा x, नेगेटिव जब कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो x प्लस 1 सॉरी इसमें 3 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ये भी हमारा कॉमन, और ये 2x नेगेटिव 3 और ये भी आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे x पॉजिटिव 1 ये भी 0 आ जाएगा और 2x नेगेटिव 3 ये भी 0 आ जाएगा, और x आ जाएगा नेगेटिव 1 इक्वल और 2x इज इक्वल टू 3 और x आ जाएगा 3 बाय 2, क्योंकि 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब एक हमारे पास फिर इसका 1 आ जाएगा और 3 बाय 2 आ जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट। इस तरह जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। इसके बाद एक इसका जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी हम साथ डिस्कस कर लेते हैं। a ओवर ए एक्स नेगेटिव 1 प्लस बी ओवर बी एक्स नेगेटिव 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसमें बोला हुआ है कि x जो है इज नॉट इक्वल टू 1 ओवर a, और इसकी डोमेन दी हुई है, मतलब ये वैल्यू x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू होंगी। अब इसको सॉल्व हम करते हैं तो इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा a ओवर ए एक्स नेगेटिव 1 प्लस बी ओवर बी एक्स नेगेटिव 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है। अब इसका जो सबसे इजी वे है, इजी जो मेथड है वो हमारे पास क्या है कि जो ए वाली वैल्यूज होगी ए एक्स नेगेटिव 1 होगी, इसमें जो बी है वो इधर आके इसके साथ माइनस होगा एंड प्लस बी ओवर बी एक्स नेगेटिव 1 और इसके साथ ए इधर आके नेगेटिव होगा। मीन क्या है इसमें, याद रखने का वे ये है कि जो ए वाली वैल्यू होगी उसके साथ बी को आपने यूज़ करना है, जो बी वाली वैल्यू होगी उसके साथ आपने ए को यूज़ करना है, क्योंकि एक ईजी वे है, ईजी इसके ट्रिक्स हैं इसको सॉल्व करने की, ऐसे जो है। अब इसका एलसीएम आपने अलग लेना है और इसका एलसीएम आपने अलग लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एक्स नेगेटिव 1
अब ए एक्स नेगेटिव वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नेगेटिव बी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए एक्स नेगेटिव वन आ जाएगा एन प्लस। इसमें हमारे पास सेम एलसीएम आ जाएगा, बी एक्स नेगेटिव वन, ये जब इससे कैंसिल तो यहाँ पे बी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा बी एक्स नेगेटिव वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ए ये बी इधर आके ए बी एक्स हो जाएगा, ये नेगेटिव बी वन से मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव बी आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा ए एक्स नेगेटिव वन प्लस बी, ये नेगेटिव ए बी एक्स, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ए, और इसके नीचे आ जाएगा बी एक्स नेगेटिव वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो। तो इसमें अब देखा जाए तो इन दोनों वैल्यूज़ में जो कॉमन है, देखें ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बी एक्स, या इसको थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे पास इसमें आ जाएगा ए, इसको यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे हम पी को लिख लें, मतलब हमने फॉर्म सेम करने के लिए ए पॉजिटिव पहले लिख दिया है, इसको हमने बाद में लिख दिया है, और ये आगे जो है वो बी चला जाएगा, मतलब हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की है, इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में कॉमन आ सकता है यहाँ पे ए नेगेटिव ए बी एक्स प्लस बी, तो अगर ऊपर से हम इसका पी ऑफ एक्स में से कॉमन ले लेते हैं, ये वाली वैल्यूज जो है इसके पीछे यहाँ पे वन आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा ए एक्स नेगेटिव वन प्लस, ये यहाँ पे भी वन आ जाएगा तो ये आ जाएगा बी एक्स नेगेटिव वन, और ये आ गया इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास ये दोनों पेयर जो है वो हमारे ज़ीरो के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी एक्स प्लस बी ये भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, वन ओवर ए एक्स नेगेटिव वन प्लस वन ओवर बी एक्स नेगेटिव वन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये पेयर भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और ये पेयर भी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये इधर नेगेटिव है तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब x के साथ a भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, तो एक हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो लेकिन इसको आगे हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वन ओवर ए एक्स नेगेटिव वन प्लस वन ओवर बी एक्स नेगेटिव वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो। तो इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ए एक्स नेगेटिव वन और बी एक्स नेगेटिव वन, ए एक्स वाला कैंसिल पीछे आ जाएगा बी एक्स नेगेटिव वन, बी एक्स वाला कैंसिल तो ए एक्स नेगेटिव वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें ए एक्स प्लस बी एक्स नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव टू ओवर जो है ए एक्स नेगेटिव वन और यहाँ पे बी एक्स नेगेटिव वन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों पेयर ज़ीरो के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स नेगेटिव टू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स, टू इधर आके यहाँ पे पॉजिटिव और इसमें एक्स कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो x आ जाएगा सॉरी टू जो है टू ओवर a प्लस बी आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट एक के पीछे दिया हुआ हमारा आया है x इज ओ हमारे पास जो है वो a प्लस बी ओवर ए बी, और एक हमारा सॉल्यूशन आया है टू ओवर a प्लस बी। तो इसके सॉल्यूशन सेट दो आ जाएंगे हमारे पास a प्लस बी ओवर ए बी और टू ओवर ए प्लस बी जो है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा एंड हुआ, आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन के बारे में, कल हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन टू सेकंड पार्ट इसका है मीन कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में हम उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।